बीजेपी आरएसएस मोदी जी के खिलाफ बहुत बोला हूँ, उनकी कहीं ना कहीं ये भी मनसा है कि अब इसको मजा चखा है। नहीं नहीं हार्दिक नाराज जी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, है वो नाराज। पूरे भारत का सौदा करना हो, सबसे पहले एप्लीकेशन लेकर मोदी जी चले जाएंगे। तहसील या जिले स्तर का कोई पत्रकार है, वो भी यदि जमकर लिखे, उनके खिलाफ भी सेडिशन का केस कर देते हैं, चाहे वो सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसिस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो, रैलियां हो, धरने हो, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो मुझे बहुत बड़ा खतरा बांधते हैं। जाड़ी भाषा में कहते हैं कि थोड़ा केवल अहंकार या घमंड आ गया इस सरकार को। और चूंकि मैं इस सरकार के खिलाफ बीजेपी आरएसएस मोदी जी के खिलाफ बहुत बोला हूं, तो उनकी कहीं ना कहीं ये भी मनसा है कि अब इसको मजा चखाया। उस ट्वीट में मैंने केवल शांति और अमन का अपील किया है, भाई ये तो हद हो गई। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शांति और अमन का अपील ना करे तो क्या करे, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। उनके लिए जो मैंने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, गौड़से के भक्त है, कि यदि उससे उनको दिक्कत है तो कौन सा बड़ा बात है। हद तो ये हो गई कि उस केस में से जमानत मिलने के बाद, जैसा कि आप और सभी लोग जानते हैं, महिला को आगे करके दूसरा केस किया, कहां आसाम कहां गुजरात, 2,500 किलोमीटर का फासला। लेकिन चुनाव के साथ साथ, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लंबे अरसे से सरकार के खिलाफ हूं, गुजरात मॉडल को पूरे देश में एक्सपोज किया, निकाय का विकास, 100 में से 45% बच्चे कुपोषित है, राइट। इस सारे मामलों को लेकर मैं लगातार एक चैलेंज के तौर पर उभरा हूं, केवल गुजरात में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। तो मजा चखाना, टारगेट करना है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल वेंडेटा, ये वेंडेटा चल रहा है। भाजपा को एक विपक्षी दल की तरह देखते हैं, दुश्मन की तरह ये लोग ट्रीट करेंगे, ये कभी सोचा नहीं था, राइट। ये तो दुश्मनी पर उतरा है, ये तो शत्रुता पर उतरा है। लोग बार बार कह रहे हैं कि आप यहां पर जनसभा करो, हमारे तहसील में आओ, हमारे जिले में आओ, भाषण किया जाए जिग्नेश बहन के खिलाफ। तो लोग चाहते कि सरकार के खिलाफ मैं बोलूं, क्योंकि वो बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, तो उसका एक डेफिनेट इंपैक्ट गुजरात के इस चुनाव में होने वाला है। दलितों का एक बहुत बड़ा तबका इस सरकार से नाराज है, चुनाव तक नाराज रहेगा, इतना आसान नहीं कि भूल ही जाएंगे। महिला वाला जो मामला इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया ना, अपने जो क्या बोलते आबरू के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की, तो दलित समाज ने उसको अपने बहुत दिल से लिया है, दिल पे ले लिया है। अभी चुनाव का एक दो महीने पहले हम लोग प्राइमरी मेंबरशिप में ले लूंगा, ऐसे तो मान के चले जुड़ ही चुका हूँ, केवल एक प्रकार से औपचारिकता फॉर्मेलिटी बाकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैं डिस्क्वालीफाई कर जाऊंगा एमएलए के तौर पे, यदि अभी मैं पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैं मेंबरशिप लेता हूं, तो ऐसा टेक्निकल कारण है। लेकिन चुनाव का एक दो महीना जब बाकी होगा, तब मैं जिसको कहते हैं कि फॉर्मली विधिवत रूप से मैं पार्टी में ज्वाइन होने वाला हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इतनी जड़े मजबूत है उसकी, भारत के एक एक स्टेट के एक एक जिले के एक एक तहसील के एक एक गांव में उनके कार्यकर्ता है। अच्छा दिन बुरा दिन ये सब तो चलता रहता है, जिंदगी की तरह है राजनीति भी, उतार चढ़ाव ये सब चलता रहता है। जनता के असली मुद्दों पर शिद्दत के साथ काम किया जाए, यही जो हम लोग गुजरात में कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे तो न केवल पॉलिटिकली टिकेंगे, पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स भी फॉर्म कर पाएंगे। गांधी परिवार है, गांधी परिवार के साथ साथ बहुत से लोग हैं, हम लोग भी हैं, हमारे जैसे अनगिनत हजारों लाखों कार्यकर्ता है। एक चेहरे से कुछ नहीं होता, इतने सारे चेहरे हैं, अभी भी 700-750 एमएलए जो सारे अपने अपने जिलों में तहसीलों में चेहरे हैं। नहीं 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 हार्दिक नाराज जी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, है वो नाराज, है उसके कुछ इश्यूज पार्टी से, रिजोल्व हो गए, रहेगा हमारे साथ, और अभी तो साथ में मिलकर हमको बहुत कुछ करना है, बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है, बहुत से संघर्ष करने। फर्स्ट क्लास क्वालिटी का झूठ बोलते हैं, सीना तान कर, सीना फुला फुला कर, 56 इंच का करके झूठ बोलते हैं बड़ी शिद्दत के साथ। बेचने वाले अच्छे, मुल्क को बेचना हो, मुल्क की संपत्तियों को बेचना हो, उसका एक अच्छा क्वालिटी है। मतलब मान के चलिए अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नए सिरे से भारत में आए, तो पूरे भारत का सौदा करना हो और ईस्ट इंडिया कंपनी को सीईओ के पोस्ट पर कोई आदमी चाहिए,
इस बात का यदि वो लोग अनाउंसमेंट करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेकर मोदी जी चले जाएंगे। ये भारत की छाती पे पूरा एक लकीर खींचकर समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करना और लगातार विभाजित बनाए रखना, इससे ज्यादा गंदगी क्या हो सकती है। इनके पास एक ही चीज है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान करवाओ और पिछले दरवाजे से पूरे राष्ट्र की तमाम संपत्ति चंद पूंजीपतियों के चरणों में रख। बिल्कुल, विपक्ष को और भी काम करने की जरूरत है। उसमें विपक्ष से मेरा मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी, ग्राउंड जीरो पे ग्रास रूट में हो सके उतना जानने की जरूरत। क्योंकि सच करीब से दिखता है।